हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना? चैप्टर में समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं है, बस क्या आपसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। थ्योरी का कहाँ कुछ पढ़ रहे हैं, एफ इक्वल टू एम पढ़े, थ्योरी कंप्लीट। बस उसको मैं ज़बरदस्ती अलग अलग पार्ट में करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो, ठीक है? सेकेंड थिंग, कुछ लोगों का टेस्ट मार्क्स अच्छा है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं है, तो मैं क्या प्लान किया हूँ, मेगा टेस्ट जो होता है वो होगा ही। अब हम लोग एक छोटा सा सिलेबस लेके टेस्ट शुरू करते हैं, ठीक है? बिल्कुल 10-10 को ज़्यादा नहीं, जैसे मैं स्टार्टिंग में था ना भक्तर, मैंने आपका 3 टेस्ट लिया था। होपफुली आप लोग भक्तर में कंफर्टेबल हो। मैं छोटा सा 3 टेस्ट लिया था भक्तर का, नहीं फिर मैंने आपका लिया था काइनेमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन मोशन का भी 2 टेस्ट लिया था, उसके बाद मैंने रोक दिया था। सो लेट्स स्टार्ट अगेन प्रोजेक्टाइल। सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ टॉपिक्स को। एक लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का एक टेस्ट, ज्यादा नहीं, बस हाफ एन आवर का कुछ या कुछ 40 मिनट्स का टेस्ट होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका एक टेस्ट। फिर क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद, प्रोजेक्टाइल, राइट? सो प्रोजेक्टाइल का हमने दो में दो टेस्ट लूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टावर, हम बिल्कुल छोटा सा पार्ट में कर रहा हूं। फिर लूंगा थर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड, ठीक है? फिर क्या लूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, और यही पढ़े थे। इसकी पहले पहले फिर ये पहले, चलो हम ऐसे ही चल रहे हैं। फिर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, एक्सेप्ट, चलो एक ये ले लेते हैं, इसमें मेनली क्या रहेगा, रिवर बोट, मेनली रहेगा रिवर बोट, रिवर बोट, रेन में इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना वो। अब ये फिर रहेगा इन 2D एक और टेस्ट, इसमें क्या देंगे, इसमें सिलेबस रहेगा कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिख रहा है क्या, या फिर मिनिमम सेपरेशन रहता ना, मिनिमम डिस्टेंस वाला पोर्शन में भी करवाऊंगा इस तरह का। सो मैंने आपको सिलेबस को ऑलरेडी हम मोशन 1D का और ले चुके हैं, तो मैं आपको 6 टेस्ट से डिवाइड किया, इसको मुझे जल्दी कंप्लीट करना है ताकि फिर से नेक्स्ट एमटी रेप ले पाए। तब तक फिर 7 टेस्ट क्या जाएगा, ये खत्म होते ही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स पे, सिर्फ फोर्स रहेगा, जो नक्सारी में पढ़े थे ना, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, जो बेसिक बेसिक पढ़े, फिर समझ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन वो रहेगा। और फिर 8th में कंस्ट्रेंट, इतना भी मैं आपको देता हूं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब इसको जल्दी खत्म करना है, तो हर मतलब वीक में कितना टेस्ट लेते हैं, 3 टेस्ट। चलो आपको मैं सिलेबस बहुत छोटा छोटा दिया हूँ, ठीक है, 2 दिन रिविजन के लिए काफी होता है, सो वीक में 3, ताकि ऑलरेडी हम इसको 2 वीक में कंप्लीट कर पाए, तब तक नेक्स्ट एंट्री आएगा। सो मैं डेट आपको मैं इसका डेट एक लिख के अच्छे से दे दूंगा सारा, कब कौन होगा। तो जस्ट थोड़ा सा टेस्ट को हम लोग नाम दे देते हैं, कुछ क्विज ही नाम देते हैं, कुछ क्विज टाइप, ठीक ना? तो ये सारा आपको मैं हर 2 डेज पे इसका इसको स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं आज से 2 दिन बाद, मीन्स मंडे से, राइट? मंडे से स्टार्ट करेंगे, आपको हम सारा दे देंगे शेड्यूल वन बाय वन करके, तो कंप्लीट करते हैं, होपफुली तब अच्छे से रिविजन हो जाएगा, ठीक? ओके।
परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसान है फिजिक्स यार, फिजिक्स सबसे आसान है। आपको अगर लग रहा होगा टफ, सो आपको बताता हूँ, अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझोगे तो आप लास्ट में बोलोगे फिजिक्स सबसे आसान है, इसमें रिविजन नहीं करना पड़ता है, चीज़ें आसान रहती हैं। अगर आप समझ गए तो आपसे हमेशा क्वेश्चन बन जाता है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंड गोइंग मशीन। हम लोग देखे ना कि जैसे अब बहुत हो जाते हैं सब्जी लोग खा जाते हैं, मिल में जाते हैं, तो उसको स्प्रिंग बैलेंस रखते हैं, उसको ऐसे हुक कर दिए, ऐसा कुछ होता है नहीं। ऐसा कुछ एक बॉडी है जो होता है प्लास्टिक बॉडी या स्टील बॉडी होता है, इसमें ऐसा स्प्रिंग लगा रहता है और सामने हुक है और यहाँ भी एक हुक रहता है। जिसमें कि लोग उसको पकड़ के उसको ऐसे हैंग करते रहते हैं तो रीडिंग लेते हैं, राइट। यहाँ पे इसमें कुछ मास हैंग कर दिया, जो भी है हमको जिसको वे करना है वो यहाँ पे मास हैंग कर दिया, यहाँ पे फिंगर लगाए रहते हैं और इससे हम लोग मान लीजिए कुछ रीडिंग लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मार्किंग किया रहता है केजी में, यहाँ पे आपको कुछ मार्किंग किया रहता है, एक ये रहता है मार्कर रहता है, मान लिया यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 kg, सब सो मार्कर यहाँ है तो 1 kg और नीचे गया तो 2 kg और नीचे गया तो 3 kg, इस तरह से रहता है, ठीक। सो ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है। तो ये कैसे काम करता है भाई, तो सिंपल अगर फिजिक्स समझे तो इसके अंदर एक स्प्रिंग है, इसको मैग्निफाई कर रहे हैं, इसके अंदर एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से लगा हुआ एक मार्कर है, यहां पे एक मानले लगा हुआ है। अब मानले कोई वेट नहीं था तो ये नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग है और ये मार्कर लेट्स अज्यूम यहां पे था, 0 है ये, अभी यहां पे इसको हम टॉप पे लगाए हुए। अब हमने इसे 1 kg हैंग कर दिया, ठीक है, 1 kg हैंग किया तो मानते हैं जी कुछ अभी हम जी मान रहे हैं 10, जी क्या मान रहे हैं 10, लेट्स अज्यूम। सो ये अब इसको कितना से पुल किया, 10 न्यूटन से, इसको अर्थ ने पुल किया 10 न्यूटन से, इस पे लगा स्प्रिंग फोर्स, रेगुलर में आएगा तो स्प्रिंग को कितना, ये स्प्रिंग को कितने फोर्स से पुल करेगा, 10 न्यूटन से, या कंबाइंड सिस्टम पकड़ लें इस पूरे पे कितना पुल फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा, तो लोग पढ़ चुके हैं स्प्रिंग फोर्स kx इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 10 बाय k। अब जो स्प्रिंग बैलेंस बना रहा है उसको मालूम है कि स्प्रिंग कौन, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, तो उसे पता है कि 1 kg हैंग करने पे ये कितना इलोंगेट करेगा, तो मान लें जी इक्वल टू 10 के लिए कैलकुलेट किया है, ऐसे 9.8 के लिए करता है, मान है 10 के लिए, तो पता है कि 1 kg जब इस पे हैंग करेंगे तो इतना इलोंगेट करेगा, मान लिए वो एक्स यहां से इतना इलोंगेट किया, इसका मतलब कि मार्कर यहां आएगा तो इस बॉडी पे उसने यहां पे लिख दिया 1 kg, जब 0 था उस समय ये मार्कर, इसको मैं ब्लू से कर देता हूं, जिस समय 0 था उस समय ये मार्कर यहां था, हमने इसको 1 kg हैंग किया, वो 10 बाय के, लेट्स अज्यूम के है 500, समझ लेते हैं, समझने के लिए 100 मान लेते हैं, तो समय आसान रहेगा, तो एक्स क्या होगा 10 बाय 100, 1 बाय 10 मीटर, कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना होता नहीं कि ज्यादा होता है, सॉरी 10 सेंटीमीटर, इसको 1000 कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा, राइट। अगर 1 kg हमने इसको हैंग किया, इसका पुल फोर्स हुआ 10 न्यूटन, स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000, स्प्रिंग विल बी 10 बाय 1000, 1 बाय 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर, मतलब ये मार्कर यहां से यहां आएगा, ये नीचे कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर, तो हमने जो नेचुरल लेंथ था वहां से 1 सेंटीमीटर से 1 kg लिख दिया। अब जब इस पर 2 kg इसमें हैंग करेंगे, 2 kg, अब हमने इसी में 2 kg हैंग किया, सब 8 का पुल फोर्स क्या होगा, 20 न्यूटन, सो व्हाट विल बी इलोंगेशन, 20 बाय 1000, दैट इज 2 सेंटीमीटर,
मतलब यहां से 1 सेंटीमीटर नीचे और यहां पे लिख दिया 2 केजी, इस तरह से हर 1 सेंटीमीटर पर लिख दिया 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी। तो इस तरह से मार्किंग किया हुआ रहता है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस बनाया उसे मालूम था कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है और उसने जी का वैल्यू 10 मान के मान लिया, उसने मार्किंग कर दिया। सो अब हमको यहां पे दिखता है केजी, क्यों? अब क्योंकि उसको पता है कि 1 केजी हैंग किया तो इतना एलोंगेट हुआ, 2 केजी हैंग करेंगे तो 2 सेंटीमीटर एलोंगेट करेगा क्योंकि इसका केस को मालूम है, 3 केजी हैंग करेंगे तो यहां पे एलोंगेट करेगा, मतलब यहां से यहां आया मतलब यहां मास 3 केजी है। अब वो बना दिया, अब हमको अननोन मास, अब हमको मास मेजर करना है। तो हमको पता है कि अगर यहां तक आया होगा इसका मतलब है कि हम 3 केजी एलोंगेट 3 केजी हैंग किए हैं। So, मेरा सिंपल टर्म है, कंफ्यूजन है, जब भी आपको स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना है, जब भी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, सिंपल स्प्रिंग फोर्स निकाल लो कितना उस पर लग रहा है स्प्रिंग पे, बाय जी कर दो। स्प्रिंग फोर्स बाय जी इज ऑलवेज रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग तो केजी में आना है तो स्प्रिंग फोर्स डिसाइड कर रहा है, आप स्प्रिंग फोर्स निकालो पहले कितना स्प्रिंग फोर्स है, उसको हम जी से डिवाइड कर देंगे, हमको स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग मिल जाएगा। एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, इससे 6 केजी का ब्लॉक हैंग कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट इज रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो क्या होगा, बोलो 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 क्या होगा। तो हम स्प्रिंग फोर्स निकालते हैं, कितना स्प्रिंग फोर्स, मानते हैं जी 10 न्यूटन, रीडिंग क्या होगा जो होना चाहिए 6 केजी, तो रहा है स्प्रिंग फोर्स बाय जी, सिंपल 6 केजी। तो उसने जी का एक वैल्यू लेकर कैलिब्रेट किया हुआ है, बेसिकली वो कैलिब्रेट क्या किया, हमने जी साइड निकाल रहे हैं, उसने कैलिब्रेट कैसे किया था, स्प्रिंग फोर्स मतलब मेरा ये आया था वेट बाय के, यहां से उसने कैलिब्रेट किया। एक सिंपल क्वेश्चन होता है आपको, इसको मिटा रहा हूं, मानते हैं एक एलिवेटर उसके सीलिंग से एक स्प्रिंग बैलेंस हैंग कर रहा है, एलिवेटर के सीलिंग में इसको हमने लटका दिया और इससे हमने यहां पे हैंग कर दिया 5 केजी, and this elevator is going up with 10 meter, चलो it is going up with 8 meter per second square, elevator is going up with 8 meter per second square, then my question is, आपको जी हमेशा 10 लेना है, मैं जो भी तरह उसमें जी क्या लेना है 10, find reading of spring balance, find रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये मेरा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5 केजी, ऑप्शन बी 3 केजी, ऑप्शन सी 13 केजी, ऑप्शन डी नोटा। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हो गया। मैं आपको सिंपल सा बताया, क्या बताया कि आप पहले स्प्रिंग फोर्स निकालो, हम ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, ब्लॉक पे नीचे लेगा अर्थ का फोर्स और ऊपर लेगा स्प्रिंग फोर्स, यही ना, इस ब्लॉक को ऊपर स्प्रिंग खींचेगा और स्प्रिंग एलोंगेट होगा तो स्प्रिंग को ऊपर तरफ खींचेगा और नीचे अर्थ का फोर्स। अब अगर इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं, ये एलिवेटर के साथ चल रहा है भाई,
अगर हम ग्राउंड से देखें, हम ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें, तो इसका एसेसन वही है जो एलिवेटर का है, बिकॉज ब्लॉक एंड दिस स्प्रिंग बैलेंस इज मूविंग टूगेदर। सो अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें, दोनों साथ चल रहे हैं, अलग अलग साथ चल रहा है, तो इसका एक्सेसन क्या होगा, 8 m/s². सो Fs माइनस 50 इक्वल टू m इंटू ए, m दिस a दिस, सो Fs इक्वल टू 40 + 50 90 N। सो व्हाट विल बी रीडिंग, 90/g। सो आपको इस रीडिंग क्या दिखाएगा, रियल में इसका मास है 5 kg, बट आपको इस एलिवेटर में रीडिंग क्या दिखाएगा, 9 kg। कोई डाउट है? अरे जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो ब्लॉक रेस्ट में नहीं है, इसके एलिवेटर के साथ जा रहा है, रोटेटिंग मशीन में पड़ चुके हैं, तो एलिवेटर के साथ अगर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन वही है जो एलिवेटर का है, राइट? तो इसका एक्सेलरेशन वही है जो एलिवेटर का, एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या है, 8 m/s². सो हमने लिखा नीचे ऊपर जा रहा है, Fs माइनस 50 इक्वल टू नेट फोर्स लगेगा ऊपर, क्लियर? आंसर क्या होगा, पक्का? ओके नेक्स्ट। अच्छा गुड, अब एक उसने क्वेश्चन पूछा कि सर हम ग्राउंड से नहीं एलिवेटर से देखेंगे तो क्या होगा, उसके एलिवेटर को मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी ग्राउंड से देखो, ठीक है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप लोग समझ गए होगे तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए, सब सिंपल है जब एग्जाम्स में आते रहते हैं। चलो फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, बिल्कुल कंप्लीट प्रैक्टिस, सेम टाइप चेंज कर दिया, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ऑप्शन ए 5 kg, ऑप्शन बी 10 kg, ऑप्शन सी 15 kg, ऑप्शन डी नॉट, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ब्लॉक 5 kg का वीडियो बनाते हैं। नीचे धरती मां का फोर्स 50 N और ऊपर स्प्रिंग फोर्स। अब ग्राउंड के स्टार्ट में इट इज गोइंग अप विथ एलिवेटर, सो नेट फोर्स क्या होगा, Fs माइनस 50, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, सो m इज 5, a इज 10, सो Fs इक्वल टू 100, सो रीडिंग विल बी This by G, that is 10 kg. So, reading क्या होगा, 10 kg. Good out? नहीं? Okay. Next. Next, next, next. मिटाएं इसको. अगेन एलिवेटर है, इसमें 8 kg हैंग कर दिया, एंड दिस एलिवेटर इज गोइंग डाउन विथ 5 m/s², एलिवेटर इज गोइंग डाउन 5 m/s², देन फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 8 kg, 3 kg, 4 kg,
you have to find ring of spring balance. This elevator is going down with axis of 500 per second square. हो गया सिंपल. इस ब्लॉक का एफडी बनाते हैं. नीचे अर्थ का फोर्स, ऊपर स्प्रिंग फोर्स. अब ये एलिवेटर के साथ नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा? नीचे की तरफ लेंगे 80 माइनस एफ एस इक्वल टू एम इन टू ए. सो 80 माइनस एफ एस इक्वल टू 40. सो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 40 न्यूटन. सो व्हाट विल बी रीडिंग? रीडिंग विल बी दिस बाय जी दैट इज इक्वल टू 4 केजी. सो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या आ गया? 4 केजी. एम आई क्लियर? कोई डाउट है? नहीं. सेंसर के फोर के जी. आगे बढ़े बढ़ते. नेक्स्ट चलो. दिस एलिवेटर इज गोइंग डाउन विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 10 पर सेकंड. व्हाट रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? This elevator is going, same question. This elevator is going down with constant velocity 10 meter per second. What will be the reading of spring balance? Fatafat. हो गया क्या? कुछ लोग फंस गए. अरे यार सिंपल है. चलो पूरी बात सिंपल है. नीचे अर्थ का फोर्स, ऊपर स्प्रिंग फोर्स. ओके अब बताओ this elevator is going down with a constant velocity. Now what is acceleration? Zero. मतलब उस ब्लॉक का भी acceleration क्या है? Zero है भाई. कहाँ थे? सो रहे हो? जग जाओ. यह मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है. So अगर acceleration zero है so net force zero होगा. So 80 minus fs equal to zero. So spring force 80. So reading will be this by g. This is equal to 8 kg. Am I clear? So reading क्या होगा? 8 kg. Okay. चलो इसको मैं उसका नेस्पाइ कर देता हूँ. अब बताओ उसको हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया. एलिवेटर इज गोइंग डाउन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज गोइंग डाउन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हो गया. अब ये नीचे जा रहा है. फिर से एफबीटी बनाते हैं. अर्थ का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स. Now it is going down with acceleration. This हमने जी वी टेन माना हुआ है तो नेट फोर्स नीचे 80 माइनस एफ एस इक्वल टू एम इन टू ए. सो एफ एस जीरो. रीडिंग क्या होगा? जीरो. इसी को बोलते हैं फ्री फॉल में वेटलेसनेस. आप लोग जो पढ़े हो गए वेटलेसनेस तो रियल में वेटलेसनेस नहीं, मतलब रियल में उसका मास तो भी 8 केजी है बट वेट जो रीडिंग दिखा रहा है वो हो गया जीरो बिकॉज स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया. स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया? जीरो. तो स्प्रिंग कुछ लंगेज ही नहीं होगा भाई. अगर हम अपने स्प्रिंग बैलेंस देखेंगे तो स्प्रिंग कुछ लंगेज नहीं होगा, जीरो पे ही रहेगा और अर्थ के कारण कॉन्स्टेंट से आ रहा है. मतलब इसको हम फील करते हैं, बोलते हैं फील वेटलेसनेस. क्या हो गया? कोई डाउट? नहीं. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. इस पर एक और बहुत लिमिटेड चला ली. एक क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस, उसको हमने अर्थ पे डिजाइन किया था, अर्थ पे बनाया था. बनाया कहां था? अर्थ पे. हमने स्प्रिंग बैलेंस को अर्थ पे डिजाइन किया. ठीक है. रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस for a block at the earth is x kg. ठीक है. और ये अर्थ पर डिजाइन क्या हुआ था? वहां पर रीडिंग है x kg. सो व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस
फॉर सेम ब्लॉक, फॉर द सेम ब्लॉक एट मून, मून पर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एक्स के लिए, ऑप्शन बी सिक्स एक्स के लिए, ऑप्शन सी एक्स बाय सिक्स के लिए, ऑप्शन डी नोटा। अगर किसी ब्लॉक का रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस से अर्थ पे एक्स कीजिए, और हम मून पे सेम स्प्रिंग बैलेंस सेम ब्लॉक ले गए, जिस स्प्रिंग बैलेंस से हमने अर्थ पे मेजर किया था उसी स्प्रिंग बैलेंस से हम मून पे मेजर कर रहे हैं, वहां रीडिंग क्या होगा? ओके, सो वी हैव मिक्स टाइप ऑफ आंसर। ओके, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ये किया कि चलो भाई इसको मून पे ले गए, मून पे ले गए, बॉडी मून पे, उसको ब्लॉक को हैंग कर दिया, इसका मास कुछ था एक्स, मून पे से कितना फोर्स लगेगा, एक्स इंटू जी बाय सिक्स, तो इसका एफबीटी बना है, नीचे लगा स्प्रिंग फोर्स, सॉरी नीचे ऊपर लगा स्प्रिंग फोर्स, नीचे लगा मून के कारण फ्रिक्शन फोर्स। फिर क्या कर दिया, एफ एस इक्वल टू एक्स जी बाय सिक्स, सो रीडिंग इक्वल टू एफ एस, और चूंकि वहां पे हमने बोला बाय जी, तो वहां जी जी बाय सिक्स हो गया, इसलिए एक्स के जी। तो हमने ये किया, हमने कहा था रीडिंग इक्वल टू एफ एस बाय जी, तो वहां जी भी, यहां जी बाय सिक्स हुआ तो यहां भी जी बाय सिक्स डिवाइड कर दिए। ये सही या गलत? अरे यार, इसलिए मैं आपको सिखाया था कैसे इसको डिजाइन किया हुआ है, जो डिजाइन किया वो तो ऑलरेडी डिवाइड करके यहां पे मार्किंग कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है मार्किंग। अब आप उसका मार्क चेंज नहीं कर सकते हो, डिजाइन कर चुका है, अर्थ पे इसको डिजाइन हो गया है, मतलब उसने मान लिया है कि जब यहां से 10 न्यूटन से फोर्स खींचेंगे तो ये 1 तक आएगा, ये 1 पे जो लिखा हुआ है वहां तक आएगा, इसको जब 20 न्यूटन से पुल करेंगे, ये मान लिया हम जी अभी 10 ने मान कर रहे हैं, तो ये जो मार्कर है ये 2 तक आएगा, इसको जब 30 से पुल करेंगे ये मार्कर 3 तक आएगा, ये सब ये उसने सोच के यहां पे मार्क कर दिया है 1 केजी 2 केजी 3 केजी, अब हम नया मार्किंग नहीं कर रहे हैं। अब आप समझो कि अगर हमने इससे एक्स केजी हैंग किया तो इसका जो मार्कर था जो पहले यहां था वो यहां पे आ गया, यहां पे लिखा हुआ है एक्स केजी, तो एक्स ये बारकट इतना मतलब स्प्रिंग एलोंगेशन जो हुआ एक्स सेंटीमीटर कब हुआ, मानते हैं एक्स सेंटीमीटर या कुछ भी, ये जो एलोंगेशन एल हुआ ये एलोंगेशन एल कब हुआ, जब इसको हमने एक्स जी फोर्स से पुल किया, जब हमने एक्स जी फोर्स से पुल किया तो एलोंगेशन एल हुआ। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम एम कर देते हैं, इसलिए एम कर देते हैं, तो थोड़ा कम कंफ्यूजन होगा। अब समझो इसको जब हमने एम से अर्थ पे किया लगाया तो अर्थ ने इसको एम जी से खींचा, तो हम क्या करेंगे एम, अब इसको एक्स को लेते हैं एलोंगेशन, अब मेरा एक्स क्या हो गया एलोंगेशन, तब कंफ्यूजन कम होगा, एम जी इक्वल टू के इंटू एक्स, एक्स इज एलोंगेशन स्प्रिंग, मैंने सब कुछ चेंज कर दिया, मास को मैक्स को एम कर दिए हैं और एक्स हमने ले लिया एलोंगेशन के लिए, तो मेरा एक्स हो गया एम जी बाई के। सो ये एम जी बाई के एलोंगेट होकर यहां पे आया और यहां पे लिखा हुआ है एम के जी। अब जब इसको मून पे ले गए, जब इस ये कहां है अर्थ पे, अब उसको मून पर ले गया, जब मून पर ले जाते हैं अब मून पर इसको कितने से खींच रहा है एमजी बाय सिक्स, अब मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करेगा क्या, वही स्प्रिंग बैलेंस तो वही है, स्प्रिंग सेम है, तो अब मेरा क्या होगा एम जी बाय सिक्स इक्वल टू के एक्स,
तो x इक्वल टू एम जी बाय सिक्स के मीन्स इलोंगेशन जो पहले था जी मान ले कुछ x डैश है दैट इज x बाय सिक्स जो मेरा x था एम जी बाय के वो एम जी बाय के का वन से मतलब अब जो मार्कर है अगर पहले मार्कर यहां तक आया हुआ था सो इनिशियली ये आया हुआ था बट अब मार्कर इतना ही आएगा वन बाय सिक्स एक्स बाय सिक्स ही आएगा एम आई क्लियर सो रीडिंग वन बाय सिक्स होगा अरे सिंपल पहले अर्थ mg से पुल किया तो ये कुछ इतना इलोंगेट किया mg बाय के अब ये इलोंगेशन फोर्स घट गया इलोंगेशन भी घट जाएगा जब पुल फोर्स डिक्रीज किया तो इलोंगेशन भी डिक्रीज हो गया तो वन बाय सिक्स इलोंगेट करेगा तो रीडिंग तो हमें अब हम डिजाइन तो ऑलरेडी कर चुके हैं कितना से डिवाइड को डिजाइन किया हुआ है डिजाइन करने में उसने जो डिजाइन लिखा वहां पे जी का वैल्यू अर्थ ला लिया हुआ था अब यहाँ पे सब कुछ मार किया हुआ वन के जी टू के जी थ्री के जी तो पहले ये एम के जी तक आया था बट जब हम पुल फोर्स कम कर देंगे तो ये तो यहीं तक आएगा तो वन बाय सिक्स पार्ट आएगा रीडिंग क्या होगा एम बाय सिक्स एम आई क्लियर होपफुली मैं कंफ्यूज नहीं करती हूँ आपको ज्यादा आपको कितना आसान है ठीक है वहाँ आप सोचते मून पे वेट वन बाय सिक्स होता है इसलिए वन बाय सिक्स हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही सोचे यही से तो ठीक है कि जो ही ये पुल फोर्स 1 बाय 6 हुआ तो स्प्रिंग बैलेंस का स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग का इलोंगेशन 1 बाय 6 इसमें कोई दिक्कत अगर पुल फोर्स 1 बाय 6 हो गया तो स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग का इलोंगेशन भी 1 बाय 6 होगा तो पहले स्प्रिंग जहां तक जा रहा था अब उसका 1 बाय 6 तक ही जाएगा अगर पहले आया था एम तक अब आएगा एम बाय 6 तक दैट्स इट तो हम तो उसका जो लिखा हुआ रीडिंग उसको देख के पढ़ते हैं तो अगर यहाँ एम था लिखा हुआ तो यहाँ कहीं एम बाय सिक्स लिखा होगा तो वहीं तक जाएगा क्लियर एक मूंगफली वाला पहले मूंगफली खरीद लिया ठीक है वो मूंगफली खरीद लिया अब मान लिया वो बड़ा सा मल्टीप्लेक्स है उसके एलिवेटर में गया मूंगफली बेचने के लिए उसने बाहर रोड पर मूंगफली खरीदा स्प्रिंग बैलेंस से जिस उसी स्प्रिंग बैलेंस से वो खरीदा एम के जी मान ली थी उसने एम के जी स्प्रिंग बैलेंस से मूंगफली खरीद लिया रोड पे ठीक है उसने एम के जी स्प्रिंग बैलेंस से अपने स्प्रिंग बैलेंस उसके पास अपने स्प्रिंग बैलेंस उससे एम के जी स्प्रिंग मूंगफली खरीद लिया अब वो गया एलिवेटर में स्प्रिंग अपना मूंगफली बेचने के लिए अब वो गया मल्टीप्लेक्स में गया वहां पे एक एलिवेटर है और ये एलिवेटर ऊपर ए से जा रहा है जिसमें ऊपर जा रहा है उस समय इसमें अगर वो मूंगफली बेचता है तो सिर्फ रेट से जिस रेट से खरीदा उसी रेट से बेच रहा है ईमानदार है भाई मतलब सेवा कर रहा है और जिस रेट से चलो थोड़ा और मजेदारी कर देते हैं लेट्स अज्यूम अब मूंगफली वाला मूंगफली वाला बॉट फाइव केजी मूंगफली ऑन रोड एट फिफ्टी रुपीज पर केजी एंड He sells at 40 rupees per kg. At 60 rupees per kg. In an elevator which is going up with acceleration. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूजिंग सेम स्प्रिंग बैलेंस बिल्कुल नया क्वेश्चन बना रहे
यूजिंग सेम स्प्रिंग बैलेंस. सो 50 रुपीज पर केजी से खरीदा था और लिमिटेड में गया मल्टीप्लेक्स के अंदर, वहां 60 रुपीज पर केजी में बेचता है सेम स्प्रिंग बैलेंस से, और लिमिटेड इज गोइंग अप 500% कॉन्स्ट्रक्शन से जा रहा है. देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, वो कितना प्रॉफिट या लॉस कमाएगा. ऑप्शन ए प्रॉफिट 50 रुपीज, क्या प्रॉफिट 50 रुपीज. Profit 250 rupees. Profit 200 rupees. Loss 100 rupees. चलो फटाफट हो गया मेकअप. अच्छा उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना वो खरीदा है. 50 × 5 = 250 rupees, राइट. ओके अब वो जब बेचने जाएगा एलिवेटर में तो उस रियल में वो जो ग्राहक को देगा कितना केजी होगा उसका. एलिवेटर में जब वो डाल दिया किसी माले को, माले मैं खरीद रहा था, तो मुझे ये 5 kg कितना दिखाएगा. ये जो 5 kg अगर ये पूरा हैंग कर दिया तो मुझे कितना दिखाएगा. 5 kg हमको कितना शो करेगा उसके कारण में. देखते हैं रीडिंग क्या होगा स्प्रिंग बैलेंस का. अभी हम लोग किए हैं नीचे अर्थ का फोर्स 50, जी हमको 10 मानना है. जी क्या मानना है 10. ये मैं आपको पहले बोल दिया कि मैं हर जगह अर्थ पे जी के मान के क्वेश्चन कर रहा हूं. ये मान के हम लोग आंसर निकालेंगे. तो 50 और ऊपर लेगा स्प्रिंग बैलेंस. रीडिंग कैसे निकाला गया, तो ए कितना दिया हुआ है 5, इसको मैं डाल रहा हूं. सो ऊपर स्प्रिंग फोर्स fs माइनस 50 इक्वल टू m इंटू ए. स्प्रिंग फोर्स fs अर्थ का फोर्स 50 यानी इक्वल टू m इंटू ए. सो fs इक्वल टू 75. अरे स्प्रिंग फोर्स 75 न्यूटन. सो रीडिंग क्या होगा, हम G10 मान के कर रहे हैं सब कुछ. सो रीडिंग कितना होगा 7. हम मान चुके हैं कि स्प्रिंग को डिजाइन किया गया है स्प्रिंग बैलेंस को G10 मान के. सो रीडिंग क्या होगा 7.5 kg, ठीक है. अब रीडिंग जब 7.5 kg है तो हमको 7.5 kg दिखेगा तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा. बेसिकली वो 5 kg को हमको उल्लू बना के 7.5, जो रियल में 5 kg था हमको 7.5 kg बना के दे रहा है. सो ये हो गया 60 × 7.5, इतना रुपीज, दैट इज 450 रुपीज. तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 450. रेट रखा है 60 जैसे बाजार में. अरे भाई रेट तो कम कर दो, आपको वो नाप में ठग लिया. सेम थिंग हमारे साथ हुआ. रेट तो ठीक दिया 60 दिया, बट उसने मेजरमेंट में हमको ठग लिया, 5 × 7.5 kg बना के दे रहा है. तो कितना हो गया ये 450. सो प्रॉफिट हो गया कितना 450 − 250, दिस मच रुपीज. कोई दिक्कत पक्का.
सो हिसाब से आप बन जाएगा एलिवेशन ग्रेडिएंट, राइट। अच्छा इसी बताओ, अगर एम के जी है अर्थ पे और हम लोग यूज करें बीम बैलेंस, एसपी बैलेंस यूज नहीं करें, क्या यूज करें? बीम बैलेंस। बीम बैलेंस समझ लो ना, ये जो है ये यूज कर रहा है बीम बैलेंस, अगर अर्थ पे रीडिंग है एम के जी तो मून पे रीडिंग क्या होगा? वी आर यूजिंग बीम बैलेंस। इफ रीडिंग ऑफ बीम बैलेंस फॉर अ ब्लॉक ऑन द अर्थ इज एम के जी, what will be the reading on the moon? Option A m kg, option B m by 6 kg, option C 6 m kg, kya hoga? Fir kuch log galti karte hain, are yaar chalo bhi mai se kaam karta hai, yahan pe kuch weight dalte hain और यहां पे हम अपना ब्लॉक डाल देंगे, ये मेरा ब्लॉक है, तो इस पे इधर अर्थ का फोर्स लग रहा है, इधर भी अर्थ का फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये जिस समय दोनों बैलेंस हो जाता है सेम, सो ये दिखाता है एमकेजी, यहां पे रीडिंग दिखाया एमकेजी। कब ये कैसे काम कर रहा है कि इधर भी आप उसको हम पढ़ाएंगे टॉर्क में, एसएससी वाले पढ़े हुए होंगे कि क्या हो रहा है इसके कारण, इसके यहां ये चीज है इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये चाह रहा है इसे घुमाना है टॉर्क। जैसे इसको हमने यहां पे मान लिया ऐसा है, और हम इसको इधर प्रेस करेंगे इधर जाना चाह रहा है, और हम इधर प्रेस करेंगे इधर जाना, इधर घूमना चाह रहा है, अगर हम इसको दो तरफ सेम प्रेस करेंगे रिमेन हॉरिजॉन्टल, तो सेम थिंग है, इधर से पुल कर रहा है इधर से पुल कर रहा है, अगर हम यहाँ एम के जी का ब्लॉक लेंगे यहाँ भी एम के जी का वो डाल लेंगे, दोनों तरफ अर्थ का पुल फोर्स सेम हो जाएगा, विल रिमेन हॉरिजॉन्टल, और हम मानते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, मीन्स उतना इसका मास है, ये तो करते हैं, अगर इसको मैं ये फिक्स कर दिए, अगर इधर ज्यादा डाल दिए तो वो टेढ़ा हो गया, इधर ज्यादा डाल दिए तो टेढ़ा हो गया, अगर दोनों तरफ सेम डालेंगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। सो अगर हमने यहाँ पे एम के जी डाला तो दोनों तरफ एम जी फोर्स लग रहा है, विल रिमेन हॉरिजॉन्टल बिकॉज टॉर्क जो है सेम होगा, दोनों का यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब जब हम इसको मून पे ले जाएंगे तो मून पे क्या होगा, हमने यहां पे एम के जी का ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक तो यहां पे मून खींचेगा एम जी बाय सिक्स। अब हमको ये रखने के लिए यहां पे भी टॉर्क कितना चाहिए, एम जी बाय सिक्स, यहां पे हमको एम के जी का वे भी रखना पड़ेगा, अरे जी बाय सिक्स दोनों के लिए हो गया। सो अगर ये एम के जी का ब्लॉक है इसको बायस करेगा एम के जी का ही वेट, मतलब रीडिंग एम के जी का एम के जी आ जाएगा, एम आई क्लियर? यहां पे जी बाय सिक्स दोनों के लिए हो गया, सो अगर इसका पुल फोर्स इस पे कम जाएगा तो इधर वे पे भी कम जाएगा, उसी रेशियो में यहां पे अगर यहां पे एम के जी का वे रखना पड़ा यहां पे एम बाय सिक्स का वे रखने पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। मान लिए ये था 12 के जी, सो यहां पे हमको 12 के जी का वे रखना पड़ेगा तभी बैलेंस होगा, और यहां पे अब यहां तो ये 12 के जी है तो यहां पे इसका 12 के जी बाय 6 इसका जो हो गया पुल फोर्स 12 इंटू जी बाय 6, तो यहां पे भी 12 ही रखेंगे तब भी ना सेम पुल फोर्स मिलेगा 12 इंटू जी बाय 6, रीडिंग 12 का 12 भी रह जाएगा, रीडिंग एम के जी रहेगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल गया, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि बीम बैलेंस में दोनों तरफ का टॉर्क, मतलब इसको टू कीप इट हॉरिजॉन्टल, टॉर्क ड्यू टू पुल फोर्स अबाउट दिस हिंज शुड बी सेम, नेट टॉर्क शुड बी जीरो। अब यहां पे हमने अगर 12 के जी रखा तो इसके लिए अर्थ का फोर्स है 12 इंटू जी बाय 6, इसको बैलेंस करने के लिए हमको उतना ही टॉर्क चाहिए, तो यहां पे 12 के जी रखना, सर यहां पे 12 इंटू जी था तो यहां पे 12 रखे तो 12 इंटू जी लगा, यहां पे फिर से जब 12 के जी रखे तो पुल फोर्स बाय मून विल बी 12 इंटू जी बाय 6, not to balance it again we need same pull force, so yahan 12 kg hoga to pull force 12 into g by 6 hoga, am I clear? Okay।
नेक्स्ट जी आई टेन फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो फिगर क्लियर है, हमने एक स्प्रिंग बैलेंस से एक पुल्ली को इसे लटका दिया, उस पुल्ली से दो मास हैंग कर रहा है। यू हैव टू एज्यूम पुल्ली इज मासलेस फ्रिक्शनलेस एंड दिस स्प्रिंग इज ऑल्सो मासलेस फ्रिक्शनलेस, जो हमारा जंक्शन हमेशा आता है। ऑप्शन ए 10 kg, ऑप्शन बी 6 kg, ऑप्शन सी 4 kg, ऑप्शन डी 4.8 kg, ऑप्शन ई 9.6 kg। व्हाट इज रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस फटाफट। जी 10 लियो है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हो गया। तो मैंने आपको सिंपल बताया था स्प्रिंग बैलेंस मतलब हमको निकाला स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कहां से निकला, स्पुल्ली कैप बीडी से। हम पहले स्पुल्ली कैप बीडी बनाते हैं, स्पुल्ली पे इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है टी और ऊपर कनेक्टेड है स्प्रिंग से, तो इधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स एफ एस। स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, टूटे। अरे स्प्रिंग फोर्स टूटे, कोई दिक्कत है नहीं? ओके, अब हमको बस टी निकालना है। टी निकालना आपको आता है, बहुत बार कर चुके हैं। 6 kg का एफबीटी बनाते हैं, नीचे 60 ऊपर टी। 4 kg का एफबीटी बनाते हैं, नीचे 40 ऊपर टी। मान लिए जा रहा है ऊपर नीचे सब कुछ हम लोग कर चुके हैं बहुत बार। 60 - t = 6 है, t - 40 = 4 है, एड किए 20 = 10 है, सो a = 2 m/s². तो जब a आ गया 2 m/s², यहाँ पे पुट कर दिए, सो t = आ गया 48 N। सो fs = 2 × 48 N, दैट इज 96 N। सो रीडिंग विल बी दिस बाय g, दैट विल बी 9.6 kg। Am I clear? गलती मत करना, सिर्फ प्लस फोर टेन कर दिए। अरे जब भी डे निकालना है यू हैव टू फाइंड स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स बाय जी, जिसके लिए जिस जी को लेकर डिजाइन किया गया बाय दैट जी इक्वल टू डे। Am I clear? छाप लिए? ओके नेक्स्ट। ये इसका बॉडी है, ये मोटा सा क्या है स्प्रिंग बैलेंस का बॉडी। सिक्स के जी और इधर से भी एक हुक लगा होता है बॉडी से, इससे एक स्ट्रिंग जा रहा है। और यहाँ भी हैंग कर दिया 6 kg। सो हमने दोनों साइड 6 kg हैंग कर दिया। एक स्प्रिंग बैलेंस है, अभी मानते हैं स्प्रिंग बैलेंस इज मासलेस। स्प्रिंग बैलेंस हैज नेग्लिजिबल मास, इसके बॉडी का कोई मास नहीं है।
नकली जीवन मास। तो तब से इसके लिए हैंग कर दिया। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ऑप्शन ए 6 kg, ऑप्शन बी 12 kg, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नॉट। व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, क्वेश्चन क्लियर है? एक हमारे पास जो स्टैंडर्ड स्प्रिंग बैलेंस है इसका मानते हैं मास नेगलिजिबल है। ये स्प्रिंग बैलेंस का बॉडी है, इस बॉडी से हुक लगा हुआ है, एक ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर 6 केजी हैंग कर रहा है। व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, हो गया, लोग गलती कर गए। अच्छा, कुछ लोग बोल दिए 0, कुछ लोग बोल दिए 12। मैंने आपको सिंपल फंडा दिया था, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज सिंपली स्प्रिंग फोर्स बाय जी। हाँ, मानते जी 10 है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज स्प्रिंग फोर्स बाय जी। सो अब बताओ स्प्रिंग्स को कौन खींच रहा है, ये स्प्रिंग को खींच रहा है? नहीं यार, ये तो बॉडी से लगा हुआ है, इसके बॉडी से, ये जो मास है ये बॉडी से लगा हुआ है और ये स्प्रिंग से लगा हुआ है, इस पे हमको इसका यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स निकालना है। तो 6 kg का एफबीडी बनाते हैं, नीचे 60, ऊपर स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि रेस्ट में दूसरा मास सेम है, रिएक्शन क्या होगा 0। दोनों तरफ अगर मास सेम है, रिएक्शन क्या होगा इसका सिस्टम का 0। सो स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 60, सो रीडिंग इक्वल टू 6 kg/g। अच्छा, इसके बिना ये रुकता क्या? बिल्कुल नहीं रुकता, अगर इसको हटा देंगे तो पूरा सिस्टम मूव करना शुरू कर देगा। जैसे चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहां 6 kg नहीं करते, यहां 4 kg करते हैं, और अभी भी स्प्रिंग बैलेंस का नेगलिजिबल मास है, स्प्रिंग बैलेंस हैज नेगलिजिबल मास, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। Find reading of spring balance. Find reading of spring balance. There 6 kg, there 4 kg. And spring balance has negligible mass. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. Spring balance has negligible mass. Okay. अच्छा तो अब ये सिस्टम इक्वेशन में रहेगा क्या? नहीं, इसका मास ज्यादा, मास कम है, नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, दोनों रिएक्शन से होगा। अरे जितना इधर इसको खींचेगा और इक्वेशन में जितना इधर जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा ना, हाँ या नहीं? सो अब ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अपने ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब दोनों का एक्शन सेम होगा, दोनों टेंशन भी सेम बोल सकते हैं क्या? नहीं, स्ट्रिंग तो सेम नहीं, अलग स्ट्रिंग है, अलग स्ट्रिंग है, तो हम मान लिए इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, ये हम मान लिए। So, अब इसका लिखते हैं 60 - T1। चलो ये इसका एफबीडी 4 kg का एफबीडी 40 T2, और इस स्प्रिंग बैलेंस का एफबीडी बनाओ, इस पे इधर लग रहा है T1 और इधर लग रहा है T2। स्प्रिंग बैलेंस पे इधर पुल फोर्स है T1, इधर पुल फोर्स है T2। अगर स्प्रिंग बैलेंस इधर मूव कर रहा है, इस पे इक्वेशन लिखते हैं T1 - T2 इक्वल टू मास ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इनटू एक्सेलरेशन। स्प्रिंग बैलेंस का मास क्या है? नेगलिजिबल है, सो इट इज 0, सो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T। हमने क्या माना है? MS इक्वल टू 0, नेगलिजिबल मास है। सो अब हम लोग T1 इक्वल टू T2 को T मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसका मास नेगलिजिबल। अब लिखो इक्वेशन, ये आ रहा है नीचे और ये जा रहा है ऊपर,
सो लिखेंगे अभी जस्ट किए हैं t माइनस 40 इक्वल टू 4a और इधर लिखेंगे 60 माइनस t इक्वल टू 6a, सो t आएगा 48 अभी किया, ये आएगा 2, राइट। सो अब बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या है, जो इसमें टेंशन है उतना ही स्प्रिंग फोर्स होगा, जिस टेंशन से ये पुल कर रहा है उतना का स्प्रिंग फोर्स होगा, सो स्प्रिंग फोर्स क्या है 48 न्यूटन, सो रीडिंग क्या होगा बाय जी, सो रीडिंग विल बी 4.8 के जी, जितना से ये पुल कर रहा है वही तो स्प्रिंग फोर्स है भाई, तो टेंशन आ गया 48, सो स्प्रिंग फोर्स है 48 न्यूटन, रीडिंग आ गया 4.8 के जी। नेक्स्ट, चलो ये भी 6 के जी, ये भी 6 के जी, बट अब स्प्रिंग बैलेंस मासलेस नहीं है, स्प्रिंग मासलेस है, उसके बॉडी का कुछ मास है, एंड लेट्स टेक सम इंपैक्टिकल डाटा है जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, उतना इतना हैवी होता नहीं स्प्रिंग बैलेंस, बट हम सिंपलिसिटी पे मान लेते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस का मास है, मास ऑफ स्प्रिंग बैलेंस अभी भी हम स्प्रिंग का कोई मास नहीं मान रहे, कंफ्यूज मत करना, हम स्प्रिंग को नेगलिजिबल मास का ही मान रहे हैं, बॉडी का मास दिया हुआ है, पूरा स्प्रिंग बैलेंस के बॉडी का मास दिया हुआ है 2kg, ठीक है। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, मतलब सर हैंग किया, मतलब हैंग कितना किए हैं 6 kg है, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस ऑफ मास 2 kg एंड टू ब्लॉक्स आर हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन फिगर, देन फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, फटाफट फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, हो गया। पहले बताओ ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा या मोशन में, ये सिस्टम यहाँ पे रुका रहेगा या मूव करेगा, अरे दोनों तरफ पुल फोर्स, यहाँ भी 60 है यहाँ भी 60 है, जब ये सेम है तो कैसे किधर कहीं मूव करेगा, ये जब दोनों सेम है यहाँ पे कुछ मास है तो टेबल पे रखा हुआ एक, अरे अगर यहाँ से कोई चीज हैंग कर दिया इक्वल मास का, इसको मूव कर पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, जब सिस्टम रेस्ट में है तो टी क्या हो गया सिंपली 60, जब टी 60 तो स्प्रिंग फोर्स उसी से तो खींच रहा है, अगर स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू टेंशन वेटिंग क्या हो जाएगा 6 kg, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम आई क्लियर, जब ये सिस्टम रेस्ट में है तो अगर अर्थ ने खींचा 60 से टेंशन में क्या होगा 60, और जब टेंशन 60 है तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इधर स्प्रिंग फोर्स इधर टेंशन दोनों इक्वल होगा, स्प्रिंग मासलेस है तो क्या हो जाएगा 60, ओके। नेक्स्ट अब इसको कर लेते हैं 4 kg, ये आपका होमवर्क है, चलो ये आपका होमवर्क है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस का मास नेगलिजिबल नहीं है, स्प्रिंग बैलेंस का मास कितना है 2 kg, मास ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 2 kg, इधर हैंग कर रहा है 6 kg, इधर हैंग कर रहा है 4 kg, बस थोड़ा सा चेंज किया हूं, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये होमवर्क है, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, क्वेश्चन क्लियर है, ओके, रनिंग आउट ऑफ टाइम, फटाफट करना होगा। सो ये हमने देखा रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, अब आते हैं वही मशीन, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ नया नहीं, तो क्वेश्चन का आगे निकल जाऊंगा, वही मशीन जो हम लोग का डॉक्टर वगैरह क्या मिलता है हर जगह, जो हम लोग वही मशीन देखते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या होता है वेइंग मशीन पे कोई आदमी खड़ा है, इतना स्मार्ट पर्सन है, ये हमारा वेइंग मशीन है, ठीक है, इसका मास कुछ मान लिए एम, तो वेइंग मशीन कैसे काम करता है, क्या होता है, हम उस पर खड़े होते हैं, हम उसको पुश किए, इसी कारण उसके अंदर भी स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होता है, तो बेसिकली हम जितना ज्यादा पुश करेंगे उतना ज्यादा उसका रीडिंग होगा,
राइट सो वो उसी पे काम करता है कि हम उसको कितना फोर्स से पुश कर रहे हैं। हमारा पुश फोर्स ज्यादा होगा तो रीडिंग ऑफ स्कूइंग मशीन ज्यादा होगा, तो उसी पे काम करता है। तो हमको कितना फोर्स से पुश किए, जितना फोर्स से हम इस जमीन को पुश करेंगे उतना हम पे नॉर्मल रहेगा। अरे थर्ड लॉ, अगर हमने इसको पुश किया कुछ एक्स से तो ये जो सरफेस है ये भी हमको पुश करेगा एक्स से ऊपर, दैट इज नॉर्मल। सो अल्टीमेटली अगर ये इसको पुश किया कुछ से उतना से पुश करेगा, दैट इज नॉर्मल। मतलब हमको जब भी रीडिंग ऑफ ओइंग मशीन निकालना है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल बाय जी। तो आपको नॉर्मल निकाल लेना है और फिर उसको जी से डिवाइड कर देना है। जो वहां पे स्प्रिंग फोर्स था, यहां पे हम जितना से पुश कर रहे हैं, रियल में हम स्प्रिंग को पुश कर रहे हैं, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा है। स्प्रिंग में ऐसा स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा था, ओइंग मशीन में स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा है। हम उस पर खड़े हुए, स्प्रिंग को पुश किया, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ। अब हम जितना को पुश करेंगे उतना कॉम्प्रेस हो, उसका रीडिंग आएगा। तो हम जितना फोर्सेस उस ओइंग मशीन को पुश किए उतना ही फोर्स हमको पुश करेगा नॉर्मल। तो हमको नॉर्मल बस निकाल लेना है। सिर्फ जैसे इसका मास अगर 60 केजी है तो इस पर कितना नॉर्मल रहेगा, इसका वीडियो बना लेते हैं। नीचे अर्थ का फोर्स, ऊपर नॉर्मल। अब ये रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो एन कितना होगा, एन सिलेंडर इक्वल टू जीरो, सो एन इक्वल टू 600, सो रीडिंग इक्वल टू दिस बाय जी, दैट इज 60 केजी। क्लियर? सो अब जितना कुछ स्प्रिंग बैलेंस में किया सब कुछ यहां कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन करा के इसको इससे आगे निकल जाएंगे। सिंपल लेते हैं, वी हैव एन एलिवेटर, एलिवेटर व्हिच इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन 500 m². इसके अंदर वेइंग मशीन पे एक पर्सन खड़ा है जिसका मास है 60 kg। फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। ऑप्शन ए 60 kg, ऑप्शन बी 30 kg, ऑप्शन सी 90 kg, ऑप्शन डी नो। फटाफट हो गया, चलो बना रहे वीडियो, मानते हैं आपने क्या वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं ब्लॉक टाइप। इस पे अर्थ का फोर्स होगा 600 और मशीन का मशीन इस पे लगा रहा है नॉर्मल, ये एन, और हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। सो हमारे लिए ये पर्सन रेस्ट में या मोशन में, इट इज इन मोशन एक्सेलरेशन 500 m², मींस ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 500 m² इस पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। सो एन माइनस 600 इक्वल टू एम इंटू ए, सो एन इज इक्वल टू 900 N, सो रीडिंग विल बी दिस बाय जी 90 kg। गुड आउट नहीं, ओके नेक्स्ट। एक एलिवेटर है, इसके अंदर वही मशीन है, इस पे एक आदमी खड़ा है, दिस एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद x² देन व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, g10 ही लेना है। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन कंप्लीट टाइम पास है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं सब क्वेश्चन दे रहा हूं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एलिवेटर व्हिच इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन 10 m² देन फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन।
What will be the reading of owing machine? बनाओ आदमी का एमपीटी। ऊपर नॉर्मल, नीचे 600। और ये आ रहा है नीचे विद सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नेट फोर्स नीचे तो 600 माइनस एन इक्वल टू एम इनटू ए। सो एन इज जीरो, रीडिंग होगा जीरो, इज इक्वल टू वेटलेसनेस इन फ्री फॉल। ये फ्री फॉल है, जी से नीचे आ रहा है, सो संख्या इसको रीडिंग क्या दिखेगा? जीरो। अगर यहां पे खड़ा हुआ है मतलब क्या रीडिंग दिखेगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक आदमी जो है एक वेइंग मशीन पे खड़ा है, ये मेरा वेइंग मशीन है, इसका मास है 5 kg और आदमी का मास है 60 kg। आदमी का मास क्या है? 60 kg। मास ऑफ मैंने 60 kg, मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 5 kg और इसको ये पुल कर रहा है। And this block is going up with acceleration 5 m/s². This block is going up with acceleration 5 m/s². ठीक है? Then question is find reading of weighing machine. A 60 kg, option B 90 kg, option A क्या है 60 kg, ऑप्शन बी क्या है 90 kg, ऑप्शन सी 62.5 kg, ऑप्शन डी 57.5 kg, ऑप्शन ई 52.5 kg। जी 10 लेना है, जी क्या है 10। हुआ क्या? ओके, अब मैं करता हूं। हमको अल्टीमेटली हमें क्या हुआ, जब भी निकाला रीडिंग मीन्स हमको नॉर्मल पर निकालना है, तो उस आदमी का हम एफबीडी बनाते हैं, उस आदमी का एफबीडी बनाए। तो इस आदमी पे एक धरती में आपने बच्चे को खींच रही है किस फोर्स से? mg 600। कोई मशीन लगाएगा नॉर्मल। यहाँ पे कितने कॉन्टैक्ट सरफेस हैं? एक यहाँ कॉन्टैक्ट है और एक यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट है, मीन्स एक ऊपर भी लगेगा टेंशन, हाँ या नहीं? यहाँ पे दो, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और दो कॉन्टैक्ट सरफेस, एक यहाँ है और एक यहाँ है, वहां पे क्या लगेगा? टेंशन, और यहाँ पे लगेगा नॉर्मल। ओके, सो अब हम इसका अभी रेस्ट में, ये तो खुद खड़ा है, खींच रहा है इसे, जब ये खुद खड़ा है इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या होगा? 600 माइनस एन, चलो ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एन प्लस टी माइनस 600 इक्वल टू जीरो, सो एन इक्वल टू 600 माइनस टी। अब एक आ गया टी, हमको निकालना पड़ेगा, तो 5 kg का एफबीडी बनाते हैं टी निकालने के लिए। 5 kg पे नीचे लग रहा है अर्थ का फोर्स 50 और ऊपर लग रहा है टी, स्ट्रिंग से सो टेंशन से। एम आई क्लियर? Now this block is going up, so equation be t minus 50 equal to m into a, और ये आपको दिया हुआ है 5, so t equal to 75 m. Block is going up with acceleration 5 m², इसका equation लिखेंगे है t minus mg equal to m a, so t कितना आ गया 75, t 75। अब यहां पुट करते हैं n इक्वल टू 600 माइनस 75, दिस मच न्यूटन, द
that is equal to 525. So reading will be this by g, that is 52.5 kg. Am I clear? So reading of resting balance kya aa gaya, 52.5. Samajh mein aaya? So is tarah se ultimately aapko क्वेश्चन सॉल्व करके नॉर्मल निकाल, नॉर्मल निकल जाएगा, रीडिंग होगा नॉर्मल बाय जी। ठीक, नेक्स्ट अभी कहते हैं कटिंग ऑफ थ्रेड और स्प्रिंग। टाइम है अभी, हाँ कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग पढ़ते हैं, कटिंग ऑफ स्प्रिंग और थ्रेड। सिंपल थिंग है, देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान ले कि दो ब्लॉक इस तरह से हैंग कर रहे थे। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर हमने इसको यहां से स्प्रिंग को कट कर दिया, मान लिया स्प्रिंग वन है ये स्प्रिंग टू है, अगर हमने स्प्रिंग टू को कट कर दिया, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ इच ब्लॉक। क्वेश्चन क्या पूछेगा, If a spring 2 is cut, find acceleration of each block just after cutting the spring. स्प्रिंग के काट जस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कब पूछ रहा हूं, जस्ट आफ्टर, उसके बाद का क्या होगा वो एक अच्छा सा बहुत ही टफ चीज बनता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमको अभी पूछा है जस्ट आफ्टर कटिंग, तो इसका सिंपल तरीका है, बहुत ज्यादा पसंद होता है वहां जेमेन सब में पूछता है, लिखने पूछता है, बहुत ही आसान चीज है, एक सिंपल फंडा यूज करना है। काटने के जस्ट पहले पहले सब जगह टेंशन निकाल लो। जब काटने के जस्ट पहले यहां पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है, 20 न्यूटन, अरे 2 केजी का एफबीडी बनाएंगे, अर्थ का फोर्स 20 और ऊपर स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा 20। इसे जस्ट बिफोर कटिंग हम लोग पहले निकाल रहे हैं, तो जस्ट बिफोर कटिंग लिखते हैं, जस्ट बिफोर कटिंग। स्प्रिंग फोर्स इनटू 20 न्यूटन। वन में क्या होगा, अरे जब रेस्ट में है स्प्रिंग मासलेस है, तो 6 के जी और 2 के जी दो हैंग कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा 80। अच्छा इसमें भी दिक्कत है, दो तरीका, सिस्टम को यहां से ब्रेक करो, पूरा कितना मास है 6 के जी और 2 के जी, तो टोटल अर्थ का पुल फोर्स क्या होगा, यहां पे 60 और यहां पे 20, ये बीच का फोर्स इंटरनल फोर्स आ गया, ये क्या आ गया इंटरनल फोर्स, तो एफबीडी हमको इंटरनल फोर्स दिखाना नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स यहां पे क्या आएगा FS1, तो FS1 इक्वल टू क्या होगा, FS1 इक्वल टू 60 प्लस 20 80। एक तरीका ये, सेकंड मेथड अगर सिर्फ 6 केजी का एफबीडी बनाते हैं, 6 केजी पे ऊपर लग रहा है FS1, नीचे लगेगा एक FS2, ये स्प्रिंग जब इलोंगेट करेगा तो इसको नीचे खींचेगा, अरे हाँ नहीं, और एक अर्थ का फोर्स, और एफ एस टू हम लोग निकाल चुके हैं 20, तो एफ एस वन इक्वल टू अगेन 20 प्लस एफ एस टू, सॉरी 60 प्लस एफ एस टू, दैट इज 60 प्लस 20 इक्वल टू 80। अरे बहुत बेसिक चीज है, एफबीडी आता है ना, अगर पूरा सिस्टम मान के यहां ब्रेक किए तो अर्थ का पुल फोर्स कितना है 80, तो स्प्रिंग फोर्स भी 80 होगा। अगर सिर्फ 6 केजी का एफबीडी बनाएंगे तो 6 केजी को ऊपर ये स्प्रिंग खींच रहा है, दैट इज FS1, नीचे ये स्प्रिंग खींच रहा है FS2, एंड पुल फोर्स बाय अर्थ 60, तो 60 प्लस दिस इक्वल टू FS1, दैट इज 80। सो स्प्रिंग फोर्स इन स्प्रिंग 1, राइट, सो हमको स्प्रिंग फोर्स मिल गया। यहां पे 20 और यहां पे 80, ओके। अब जस्ट आफ्टर कटिंग
कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जिसको कट किया उसमें स्प्रिंग फोर्स जीरो करना है, टेंशन रेस्टिंग है तो टेंशन जीरो करना है, और सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जिसको कट किए हैं उसमें टेंशन या स्प्रिंग फोर्स क्या जाएगा जीरो, स्प्रिंग को कट किया स्प्रिंग फोर्स जीरो, स्प्रिंग अगर स्प्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग फोर्स जीरो जस्ट आफ्टर कटिंग, और अगर स्ट्रिंग को कट किया स्ट्रिंग तो टेंशन जीरो जस्ट आफ्टर कटिंग, सिंपल फंडा। और जिसको काटते हैं उसके अलावा और किसी में कहीं कोई टेंशन स्प्रिंग फोर्स चेंज होगा, जस्ट बिफोर कटिंग द स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग एवरीथिंग विल रिमेन सेम एक्सेप्ट स्प्रिंग और स्ट्रिंग व्हिच हैज बीन कट इन दैट स्प्रिंग और स्ट्रिंग स्प्रिंग फोर्स और टेंशन विल बी जीरो। जिसको हम लोग कट किए हैं उसमें बस जीरो कर देना है टेंशन या स्प्रिंग फोर्स, उसके अलावा और सारे स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग इसको हमने कट कर दिया, FS1 में कोई चेंज लेना है क्या? नहीं, इसको कट किए बस वो FS1 80 हो जाएगा और FS2 जीरो हो जाएगा। मैं आपको अभी समझाऊं, कुछ अकल नहीं लगाना, जिसको कट किए उसमें जीरो और सब में जस्ट आफ्टर कटिंग सेम रखना है। तो अब बनाओ, अब हमको एक्सप्रेशन निकालना है, 2 kg का FBD बनाओ, 2 kg पे नीचे लग रहा है अर्थ का फोर्स 20, ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं, जीरो हो गया, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सप्रेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक नेट फोर्स बाय मास 20/2 10 m/s². एम आई क्लियर? Just after cutting, acceleration of 2 kg block will be net force by m 20/2 10 m/s². ये हम कब देखें? Just after cutting. Acceleration of 6 kg block क्या होगा? तो 6 kg का FBD बनाते हैं। ये तो 80 का 80 रह जाएगा। नीचे अर्थ का फोर्स तो लगेगा ही, बस ये जीरो। ये क्या हो गया? जीरो। अब इस पे दो ही फोर्स लग रहा है, ऊपर आ रहा है स्प्रिंग फोर्स, नीचे अर्थ का फोर्स, और मैं बोला इसमें कोई चेंज नहीं सोचना है, जस्ट आफ्टर कटिंग जो पहले था वही रहेगा, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 20 N अपवर्ड। तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक? 20/6 अपवर्ड, दैट इज 10/3 m/s². तो जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg ब्लॉक, मैं सब कुछ कब कर रहा हूं? जस्ट आफ्टर कटिंग 10/3। आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ जिसको कट किए हैं उसमें जीरो करना है और सब कोई चेंज नहीं, ये 80 का 80 रहेगा, ये अर्थ का फोर्स तो लगेगा ही, तो नेट फोर्स 20 अपवर्ड, सेक्शन 20/6 10/3। एम आई क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक रो में था, अब हमने इसको कट कर दिया, ये स्प्रिंग वन है स्प्रिंग टू, ये मान लेते हैं ए है ये बी है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग टू, फाइंड एक्शन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग टू, ऑप्शन ए, हम यहां लिखते हैं ए का, यहां लिखते हैं बी का, जीरो एंड जी डाउनवर्ड, डी जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड, ऑप्शन सी जी डाउनवर्ड, जी अपवर्ड, ऑप्शन डी जी डाउनवर्ड, जी बाय टू अपवर्ड, ऑप्शन ई नोट। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, हो गया? ओके, हम पहले देखते हैं बिफोर कटिंग क्या हुआ, ऑप्शन बी,
हम पाई रखते हैं जस्ट बिफोर कटिंग, जस्ट बिफोर कटिंग ये क्या होगा, पहले ये देखते हैं। एम का पीडी बनाएंगे, नीचे रहेगा एम जी और ऊपर स्प्रिंग फोर्स, राइट। सो स्प्रिंग फोर्स होगा एम जी। अब इतना आपको आ गया है, मैं ये दिखा रहा हूं, ये होगा 3 mg, ठीक है। अब जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होगा, जस्ट आफ्टर कटिंग जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्प्रिंग फोर्स इन टू विल बिकम जीरो। ये तो कट कर दिया ना, तो सेकेंड का स्प्रिंग फोर्स जीरो और फर्स्ट में कोई चेंज होने वाला है, इसको हम कट किए उसके अलावा किसी में कोई चेंज नहीं। अब आप एम का एफबीडी बनाओ, एम पे सिर्फ एम जी लग रहा है और कोई फोर्स नहीं रहा, इसमें लग रहा स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया, तो एक्सलेशन ऑफ बी विल बी सिंपली जी डाउनवर्ड। तो जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग फोर्स, नेट फोर्स ऑन एम इज ओनली एम जी, सो एक्सलेशन ऑफ बी विल बी जी डाउनवर्ड, राइट। अब उसका बनाओ एफबीडी, ए का बनाओ, ए पे क्या होगा, ए पे, ए पर इसको मिटा रहे, ए पर इसमें कोई चेंज नहीं, स्प्रिंग फोर्स इन वन में कोई चेंज नहीं, और नीचे अर्थ का फोर्स तो 2 mg लगेगा ही, अर्थ का फोर्स तो 2 mg लगेगा ही, ये सिर्फ स्प्रिंग फोर्स जीरो हो गया है, सो नेट फोर्स विल बी mg अपवर्ड, 3 mg - 2 mg, mg अपवर्ड, एक्सेलरेशन क्या होगा, mg बाय 2m, दैट इज जी बाय 2m, एम आई क्लियर। जिसको कट किए से, मैं एक ही सिंपल था, जिसको कट किए उसमें स्प्रिंग फोर्स जीरो, ये जीरो, ये 3 mg, अर्थ का फोर्स 2 mg, नेट फोर्स ऊपर mg, तो mg बाय 2m, जी बाय 2 अपवर्ड, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग वन को हम कट करते हैं, टू को नहीं कट करते, इसको कट किए वन, यहां पे लिखते हैं ए, यहां पे लिखते हैं बी, जीरो जीरो, जी डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड। हमने स्प्रिंग वन को कट किया है, आपको ध्यान रखना है, हमने स्प्रिंग वन को कट किया है, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग वन, फटाफट फटाफट। हो गया, चलो फटाफट करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। जस्ट बिफोर कटिंग अपॉन ब्रांच में ये एमजी होगा, यहां पे 3 mg होगा, इसको जस्ट बिफोर कटिंग, कटिंग के जस्ट पहले स्प्रिंग फोर्स इन 2 mg, स्प्रिंग फोर्स इन 1 3 mg। अब आते हैं जस्ट आफ्टर कटिंग, कटिंग के जस्ट बाद, कटिंग के जस्ट बाद स्प्रिंग फोर्स इन 2 में कोई चेंज नहीं, कौन बता सकते, जिसको कट के है सिंपल था उसको जीरो कर दो। अब बना एम का एफबीडी, एम पे अर्थ का फोर्स और इधर स्प्रिंग फोर्स इन 2 जो लग रहा था वही लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इन 2 में कोई चेंज नहीं हुआ, मींस इस पे नेट फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, मींस एक्शन ऑफ बी जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो है,
एकदम ध्यान रखना है, इस सिंपल क्या है इसमें कुछ हम अकल नहीं लगा रहे, ये निकालिए था स्प्रिंग फोर्स और इसको नहीं कट के, इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी हम जी नीचे अर्थ का फोर्स, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हम जी एफबीडी बनाए नेट फोर्स जीरो सेक्शन जीरो। जब हमको समझने का चाहिए नेट फोर्स चाहिए मुझे, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, मैं परेशान हूं सही में, हमको इसका एफबीडी बनाना है। एफबीडी में यहां पे नो कॉन्टैक्ट फोर्स अर्थ का फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ स्प्रिंग का आएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ स्प्रिंग का आएगा। तो स्प्रिंग का फोर्स ऊपर आएगा कितना, जो पहले था अभी कोई चेंज नहीं हुआ mg, तो नेट फोर्स जीरो एक्सेलरेशन जीरो। अब एक का एफबीडी बनाते हैं, एक एफबीडी बनाएंगे तो ए पे ऊपर को स्प्रिंग फोर्स लग रहा है क्या, नहीं क्या लग रहा है, 2mg और ये mg, क्या को ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थ का फोर्स 2mg और ये mg क्या है, ये स्प्रिंग फोर्स इन टू, ये तो लगेगा, सिर्फ ये वाला जीरो होगा, ये वाला पार्ट क्या हो गया जीरो, मतलब ये 2mg और इधर अर्थ का, ये 2mg हुआ अर्थ का पुल फोर्स वेट और एक स्प्रिंग फोर्स टू डेट इज mg, सो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स 3mg, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा 3mg बाय 2m, दैट इज 3g बाय 2 डाउनवर्ड, एम आई क्लियर, दैट विल बी 3g बाय 2 डाउनवर्ड। सो आज मैं और क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, थोड़ा हरी में हो जाएगा, टाइम हो चुका है, सो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पे दो क्वेश्चन करके फिर जाएंगे इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो एनएलएम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ओके बाय बाय।